दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है और वो खास इसलिए है क्योंकि हम आज एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल है और उससे बहुत सारी चीजें, इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो घंटों का समय भी कम पड़ जाएगा। तो आज हमारे साथ हैं जॉली अंकल। नमस्कार। नमस्कार जी। और ये कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जॉली अंकल जो हैं इनके 1000 से ऊपर आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पब्लिश्ड हैं, इनकी 36 बुक्स, जी हाँ 36 किताबें पब्लिश्ड हैं और वो भी बेस्ट सेलर्स हैं। इसके अलावा जॉली अंकल एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं जो कि हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं और यूट्यूबर भी हैं जो कि बहुत शानदार यूट्यूब चैनल चल रहा है और आज उनके स्टूडियो में उनसे बात कर रहे हैं। तो एक मुझे बात जिस पहलू पे आज हम आपसे कर रहे हैं सर, मुझे जानकारी मिली थी कि आपके जीवन में एक ऐसा मेडिकल चैलेंज आया था जबकि डॉक्टर्स ने, जो बहुत सुपर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि आप या तो बिस्तर पे लेटे रहेंगे या व्हील चेयर पे चलेंगे, इसके अलावा आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और लाइफ आपकी बहुत ही कठिन होने वाली थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने आपको जब भी देखा है मुस्कुराते हुए देखा है, आपको हमने चलते हुए देखा है, बैठे हुए देखा है, प्रोग्राम में देखा है। तो ये आपने चैलेंज कैसे ओवरकम किया जरा हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू मेजर साहब कि आज फिर से कुछ पुरानी यादें जो है मैं कहूंगा कि ताजा हो जाएंगी हमारी जिंदगी। हर दिन के साथ नए चैलेंज हमारे लिए लेके आती है। कभी भी हमारी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि जो कुछ हम चाहते हैं हमारी जिंदगी उस तरह से चले और हमारे आसपास का माहौल वैसा बने। इसको मैं कई बार इस तरह से भी देखता हूं कि जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है, बैट्समैन वहां पे खड़ा है, उसको नहीं पता कि नेक्स्ट बॉलर कौन सा आएगा जी, वो बॉल किस तरह से फेंकेगा जी। एक बॉल उसने फेंकी है, उसके बाद दूसरी वो कैसे करेगा, वो पैर पे मारेगा या सिर पे मारेगा, बल्ले पे आएगी नहीं आएगी, क्या होगा कैसे होगा जी। लेकिन हमें ये है कि बिल्कुल इसी तरह अगर ये छोटे से एग्जाम्पल को समझे तो जिंदगी हर दिन एक चुनौती लेके आती है जी। हमें भी उस बैट्समैन की तरह अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि सामने से कोई भी आए, कैसे भी आए, हमें उसका सामना करना है जी। अब आम आदमी इन चीजों से जल्दी इसलिए घबरा जाते हैं कि हम बाहरी दुनिया को तो देखते हैं, बाहरी दुनिया को तो संवार लेते हैं, शरीर से भी और अदरवाइज भी, शरीर के सुख के लिए भी हम बाहरी दुनिया के सारे अरेंजमेंट कर लेते हैं जी। लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी इंटरनल जो पावर्स है, चाहे वो हमारी माइंड की पावर है, सबकॉन्शियस की पावर है, या जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते जी। अब हमारी जिंदगी को हमारा माइंड चलाता है और दुनिया की कोई ताकत हमारी जिंदगी को नहीं चला सकती, मैनेज नहीं कर सकती जी। अगर हम बिल्कुल मतलब कि अपने आप को छोड़ देते हैं, जिस तरह नदी में नाव को छोड़ दिया, हवा की लहरें कहीं भी धक्का दे के उसको ले जाएं, तो वो उस तरह की हालत हो जाएगी, कभी भी हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम उसे कंट्रोल करना जानते हैं तो हम बिल्कुल टाइम पे अपने डेस्टिनेशन तक सही जगह पे पहुंच सकते हैं। तो माइंड हमारी जिंदगी को चलाता है, या तो हम माइंड के गुलाम बन के जिंदगी गुजारते रहे जी। अगर थोड़ी सी इस तकनीक को समझा जाए, जो कि मैं ग्राफोलॉजी में अक्सर लोगों को समझाता हूं, कई हजार केसेस मैंने हैंडल किए यहाँ पे और लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए जिससे, तो वो ये है कि हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड को अगर आपने एक बार कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर ये आपका गुलाम बन के चलेगा। माइंड हमारा टोटली ब्लाइंड होता है, वो अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ सकता, उसको कोई मालूम नहीं है कि इसकी प्रायोरिटीज क्या है या क्या नहीं। हमें उसको ठीक से कमांड देना आना चाहिए, उसे ठीक से समझाना आना चाहिए,
एक बार अगर उसको हमने ठीक से कंट्रोल करना सीख लिया तो हमारी जो भी बात है वो उसको हुक्म की तरह मानता है, और एक बार हमें ये कमांड देनी आ जाती है तो फिर हमारा माइंड हमारी लाइफ को हमारी मर्जी के मुताबिक चलाता है। बिल्कुल सही बताया आपने, ये सब माइंड के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा मेडिकल चैलेंज आया था, वो किस समय की बात है? ये अब तकरीबन मैं कह सकता हूँ 24 से 25 साल हो गए जी। तो इससे डीबीटी कहते हैं जो प्रॉब्लम मुझे है, अच्छा डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें लेग्स में क्लॉट हो जाते हैं जिससे कि ब्लड नीचे जो पैरों की तरफ जाता है वो नसों में इतनी ब्लॉकेज हो जाती है कि वो वापस उठा के ऊपर हार्ट को सप्लाई नहीं दे पाती। तो उससे क्या है कि ऑक्सीजन और ब्लड जब हार्ट को नहीं मिलता तो बार बार प्रेशर बनता है और अटैक हो जाता है, जिससे मुझे बहुत बार आईसीयू में जाके रहना पड़ा। शुरू में मतलब कि समझ ही नहीं थी, खड़े हैं किसी से बात कर रहे हैं और अचानक अटैक हो जाता था, तो फिर वहां पे मिनिमम 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में डाल देते थे आईसीयू में, परिवार सारा बाहर बैठा रहता था। तो फिर धीरे धीरे समझ आई जब सारे टेस्ट करवाए, कुछ इंडिया में करवाए कुछ इंडिया से बाहर जाके करवाए, तो जब सारी चीज समझ आ गई तो उसके बाद फिर मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया कि मुझे बार बार आपने ये सिग्नल नहीं देना, मुझे ये मैसेज नहीं देना कि मुझे इतनी सीरियस प्रॉब्लम है, और ठीक है जो फिजिकल दिक्कत थी उसको मैंने कंट्रोल करना सीखा, कुछ डॉक्टर्स ने हेल्प की, कुछ मेडिसिंस की हेल्प मिली, लेकिन मेन रोल जो है वो हमारे माइंड का है। अच्छा। तो अगर माइंड को हम अच्छे से प्लान करके इसे प्रोग्रामिंग जो है इसकी अपनी मर्जी मुताबिक कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा है थोड़ी सी भी किसी को तकलीफ होती है, दांत में हो पैर में हो कहीं भी हो, तो एकदम वो उसका पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम की ओर चला जाता है और वो किसी भी और बात को नहीं सोचता है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अब जैसे मेरे घुटने में बड़ा पेन है तो मुझे दर्द हो रही है, मैं अगर शोर मचाऊंगा तो क्या होगा, परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान, लेकिन कुछ रिलीफ तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अचानक कोई आके मेरे गाल पे एक चाटा लगा देता तो इमीडिएटली ब्रेन से सिग्नल आता है कि इस घुटने को छोड़ो और यहाँ गाल पे हाथ रखो, तो एक सेकंड से पहले हमारा हाथ यहाँ आ जाता है। तो घुटने का दर्द तो वहीं रहा, वो खत्म तो नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम वहीं है, लेकिन एक सेकंड के कुछ हिस्से में ही इमरजेंसी चेंज होगी और हमारा हाथ यहाँ आ गया। अगर इस छोटे से एग्जाम्पल को कोई भी अपना ले तो अपने अटेंशन अगर डाइवर्ट कर लेता है तो मेन प्रॉब्लम कभी भी उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। जी चलिए, और इसमें जब आपको जब पेन की स्थिति थी या बहुत दर्द हो रहा है तो आपने किसी और चीज का सहारा लिया, जैसे कोई बातचीत करना, कोई म्यूजिक सुनना या किसी और चीज, इस तरह से आपका ध्यान डाइवर्ट किस प्रकार किया? मैंने सारा ध्यान अपना किताबों में आर्टिकल लिखने में लगा दिया। अच्छा। पहले प्रिंट मीडिया के लिए लिखा बड़े लंबे अरसे तक, 1000 से ज्यादा लेख मेरे इंडिया में इंडिया से बाहर के अखबारों में छपे, और उसके बाद बुक्स लिखनी शुरू की। धीरे धीरे प्रभु की कृपा से अब 36 बुक्स मेरी पब्लिश हो गई हैं। बहुत सारी किताबें मेरी बंगाली मराठी गुजराती इंग्लिश पंजाबी उड़िया और देश के अन्य भाषाओं में छपती हैं, और मेन तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। बहुत अच्छे, और आपकी ये कहानी सुनकर के हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को जरूर लगेगा कि छोटी कोई शारीरिक परेशानी छोटी हो या बड़ी उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड को ऐसी प्रोग्रामिंग दें कि हम अपना ध्यान उस परेशानी से हटा करके किसी क्रिएटिव काम की ओर लगाएं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने और भी जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी कठिन परिस्थितियों से उभरने में मनोबल उनका ऊंचा हो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।